गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एपी एजुकेशन हब। एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नोवेल ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्ट वन सीन वन समरी एंड एनालिसिस। गाइस, बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड द मेन करेक्टर्स ऑफ दिस नोवेल। ऑल्सो आई हैव अपलोडेड द कंप्लीट समरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट इन हिंदी। सो अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है बीए ऑनर्स इंग्लिश, उसमें आप लोगों को ट्वेल्थ नाइट का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ ट्वेल्थ नाइट की समरी हिंदी में मिल जाएगी। और अब इस वीडियो के बाद हम लगातार ट्वेल्थ नाइट के डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्ट वन सीन वन। आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड द एक्ट वन सीन टू, एक्ट वन सीन थ्री। सो इसी तरीके से हम सारे एक्ट और सीन को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, दिस प्ले ओपन्स इन द ड्यूक ऑर्सिनोज पैलेस, ही इज लव सिक। तो गाइज, जो ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट, ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है। देखो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि इस प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट, लेकिन इसमें ट्वेल्थ नाइट जैसा कुछ भी नहीं है। ट्वेल्थ नाइट क्रिसमस मनाने के बाद, क्रिसमस के बाद जब क्रिश्चियन लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद जो ट्वेल्थ नाइट होती है उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट इस नॉवल में ट्वेल्थ नाइट का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही शेक्सपियर ने इसका नाम ट्वेल्थ नाइट रख दिया है। सो ये जो प्ले है ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो बहुत ज़्यादा लव सिक कंडीशन में है, मतलब वो किसी से प्यार करते हैं। एंड द एनवायरनमेंट ऑफ ड्यूक्स कोर्ट इज़ फिल्ड विद स्वीट एंड मेलनकॉलिक वॉइस। तो देखो, उनके वहाँ पर म्यूज़िक बजाया जा रहा होता है और जो ड्यूक होते हैं वो इस म्यूज़िक को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये मानते हैं कि जो ये म्यूज़िक है ये लवर्स के लिए, उनके प्यार के लिए एक तरह का खाना है। बिकॉज उस म्यूज़िक को सुनकर वो अपने लवर को याद कर पाते हैं और उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं, तो इसीलिए वो म्यूज़िक सुनते सुनते अपने लवर को याद करते हैं। और ड्यूक ऑर्सिनो के लवर कौन है ये मैंने आपको समरी में बताया है, काउंटेस ओलिविया, इसमें हम ये आगे डिस्कस करेंगे ही। सो ड्यूक सडनली स्टॉप्स द म्यूजिशियंस, ही कंप्लेन्स दैट इट साउंड्स लेस स्वीट दैन बिफोर। तो ड्यूक सुन रहे होते हैं म्यूज़िक और अचानक से ही वो रोक देते हैं म्यूजिशियंस को कि अब ये म्यूज़िक मुझे इतना स्वीट नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था, और इसीलिए वो बोलते हैं अपने म्यूजिशियंस को कि अब तुम गाना बजाना बंद कर दो। और उसके बाद जो ड्यूक होते हैं वो प्यार में हम पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उन सब के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमें डिज़ायर होती है, हमारा मन करता है कि हम अपने लवर से मिल लें। सो हिज अटेंडेंट क्यूरियो आस्क हिम फॉर हंटिंग द डियर, बट ड्यूक मिस इंटरप्रेट्स द वर्ड डियर एंड डेयर एंड देन दिस कॉन्वर्जेशन टर्न्स अगेन टू हिज लव। तो गाइज देखो, जब ड्यूक अपने म्यूजिशियंस को बोलते हैं कि तुम गाने बजाने बंद कर दो, उसके बाद उनके एक अटेंडेंट या फिर सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है क्यूरियो, तो वो ड्यूक को बोलता है कि चलो ठीक है, म्यूज़िक नहीं सुनना, कोई बात नहीं, हम हंटिंग पर चलते हैं। तो गाइस, जब क्यूरियो बोलता है ड्यूक को कि हंटिंग करने चलते हैं डियर को, तो यहाँ पर जो ड्यूक होता है इस डियर वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेता है। देखो, DEER मतलब डियर मतलब हिरन, और DEAR मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं उन्हें हम डियर बोलते हैं। सो यहाँ पर जो ड्यूक होते हैं वो इन वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर ले, तो इस डियर वर्ड को मिस इंटरप्रेट करके ड्यूक क्या बोलते हैं कि कैसे वो अपनी लवर को हंट करेंगे, कैसे वो अपनी लव्ड वंस पर हंटिंग कर पाएंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो यहाँ पर ड्यूक इस वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और दोबारा से जो ये एंटायर कॉन्वर्जेशन होती है वो ड्यूक की लवर ओलिविया के बारे में स्टार्ट हो जाती है। ड्यूक दोबारा से बताना स्टार्ट कर देते हैं ऑडियंस को ओलिविया के बारे में कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ओलिविया से। सो हेयर ऑडियंस इज कम टू नो दैट ड्यूक इज सो डीपली इन लव विद द काउंटेस ओलिविया। तो यहाँ पर बताया जाता है ऑडियंस को कि जो ड्यूक है वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Then, during this conversation, a gentleman named Valentine enters and informs the Duke that he is not allowed to meet or see Olivia. So, guys, देखो, जब Duke ये सब बातें कर रहे होते हैं इस conversation के बीच में ही, Duke के एक gentleman जिसका नाम होता है
वैलेंटाइन। सो ये आता है और इसको ड्यूक ने भेजा होता है ओलिविया के घर पर कि वैलेंटाइन तुम जाओ ओलिविया के घर पर और उसे मेरे लिए वू करके आओ, मतलब उसे मेरे लिए राज़ी करो कि वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसीलिए वैलेंटाइन को ड्यूक भेजते हैं ओलिविया के घर। लेकिन जो वैलेंटाइन होता है वो ओलिविया के घर तो चला जाता है लेकिन उसे वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता ओलिविया से। तो जो वैलेंटाइन है वो आकर इन्फॉर्म करता है ड्यूक को कि वो ओलिविया से नहीं मिल पाया, ही वॉज नॉट एबल टू सी द काउंटेस। एंड देन ही टेल्स द ड्यूक दैट हर मेड सर्वेंट इन्फॉर्मड हिम दैट द काउंटेस विल नॉट सी एनीवन फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स एज शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर। तो देखो जब वो बता रहा होता है वैलेंटाइन कि वो नहीं मिल पाया ओलिविया से, तो वो साथ साथ में ड्यूक को ये भी बताता है कि ओलिविया की मेड सर्वेंट ने मुझे ये बताया है कि ओलिविया नेक्स्ट 7 ईयर्स तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी, एक तरीके से वो नन बन गई है और अपने चेहरे पर एक वेल मतलब एक दुपट्टा टाइप वो हमेशा ढककर रखती है और वो किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी नेक्स्ट 7 ईयर्स तक, क्योंकि वो शोक मना रही है अपने डेड ब्रदर के कारण। और हर टाइम वो अपने रूम में बंद रहती है, अपने आप को रूम में बंद कर रखती है और रोती रहती है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एस्टोनिश्ड एट दिस ड्यूक प्रेजेस ओलिविया। सो गाइज इस पर जो ड्यूक है वो शॉक्ड होने की बजाय बहुत ज़्यादा ओलिविया को प्रेज करना स्टार्ट कर देता है। देखो ड्यूक को यहाँ पर एस्टोनिश्ड या फिर चौंकना क्यों चाहिए था, बिकॉज वो तो चाहता है कि वो ओलिविया से जल्दी मिले, लेकिन क्योंकि वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो ओलिविया के इस एक्ट को प्रेज करता है कि हाँ ओलिविया का जो डिसीज़न है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी और उसका जो डिसीज़न है एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके से ये एक्ट जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि वैलेंटाइन आकर ड्यूक को इन्फॉर्म करता है कि वो ओलिविया से नहीं मिल पाया और किस तरीके से ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया को प्रेज करते हैं कि वो अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो उसका जो ये एक्ट है मॉर्निंग वाला ये बिल्कुल ही करेक्ट है। सो गाइस हमारा ये एक्ट 1 सीन 1 बस इतना ही छोटा सा ही था। सो आई होप आप लोगों को ये एक्ट 1 सीन 1 ट्वेल्थ नाइट का क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद भी इफ़ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।